सूरज की रोशनी से ज़िंदगी में कैसे उजियारा भरा जाता है, कैसे उसकी ऊर्जा इंसानी ज़िंदगी के लिए मददगार होती है और पानी को बचाकर कैसे कुदरत के साथ तालमेल बिठाया जाता है, इसकी वानगी मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित बाचा गांव में देखी जा सकती है। ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए मिसाल बने इस गांव के नवाचार और कारगर तकनीक को आज दुनिया के 8 देशों के IIT छात्रों ने भी देखा। आइए जानते हैं ग्रामीणों की जल और ऊर्जा संरक्षण की पहल क्या है और वो कौन सा गांव है जो पूरे देश में अपने अनुभव की अलख जगा रहा है। ना कोई खर्च, ना कोई जुगाड़, ना धुआं, ना कोई गंदगी, बूंद बूंद पानी को सहेजने की ललक और इसे हर किसी का हिस्सा बनाने की चाहत, गांव का पानी गांव में रोकने और सूरज की किरणों से ऊर्जा तैयार करने और उसे बचाने का यह नज़ारा बैतूल के बाचा गांव का है। पूरे देश का इकलौता धुआं रहित सोलर विलेज बनकर सुर्खियों में आया बैतूल का बाचा गांव एक बार फिर अपने जल संरक्षण के काम को लेकर लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इस बार यहां आदिवासी ग्रामीणों ने हर घर में जल संरक्षण के लिए सोखता गड्ढा बनाकर फिर देश दुनिया को पानी की कद्र करने की सीख दी है। 74 घरों के इस गांव में हर परिवार ने बारिश का पानी सहेजने के लिए अपने आंगन में वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर सोखता गड्ढा बनाकर वर्षा जल को जमीन में भेजने की संरचनाएं तैयार की है। तो वहीं हर घर ने लकड़ी से जलने वाले चूल्हों को बाय बाय कर सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा चलित धुआं रहित चूल्हे को अपनी रसोई में जगह दी है। गांव का यह मॉडल इतना सुर्खियों में है कि अब 8 देशों जापान, मलेशिया, कजाकिस्तान, कोरिया, सिंगापुर, हुबेई और भारत की IIT मुंबई के 13 विद्यार्थियों ने शुक्रवार को यहां आयोजित जल महोत्सव में न केवल शिरकत की बल्कि गांव पहुंचकर गांव के हर उस नवाचार को देखा जिसमें कुदरत के तोहफों को संजोने सहेजने का काम किया गया है। Hello, my name is Jeon Kim. I'm from South Korea. Currently, I'm a master's student at Seoul National University, majoring in public policy and public administration. I'm participating the S3 program hosted by IIT Bombay, coordinated with the AUA. I came to Bacha village to see how the SOLS project is implemented here with those solar lamp and solar panel with cook stoves. And also I just saw the water conservation as well. And through these programs and experiences, I've got to learn how those villagers, which means how those local community people are participating with very confidence. Because these days in public policy globally, participation of local people is really important. And not only just participation from local community, they also using very eco-friendly techniques, which using the solar and water. With this new technologies, I think it will give an empowerment to the females villagers here, as well as the sustainability will be kept going on, so that the whole village will have a prosperity more. And I think I hope the very future for this village. आप यहाँ पे जो देख रहे हो जो ये एक एशियन यूनिवर्सिटी अलायंस जो एक प्रोग्राम है उसके अंडर कुछ बाहरी देशों के मतलब एशियन यूनिवर्सिटी जो आती है उसके 7 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्लस IIT बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रिसर्च करने आए थे कि मतलब ये गांव कैसा है क्या है। जो इनका भी मॉर्निंग एक प्रोग्राम चल रहा था वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम जो एक स्मॉल डैम वो बनाते हैं जो क्योंकि मतलब जो बारिश का पानी या फिर नदी का जो भी पानी है वो वहाँ पे ही मतलब बह के ना जाके वो वहाँ पे ही मतलब ज़मीन में वो मुरझा मतलब हार्वेस्ट हो जाए और वो इसे मतलब जो आसपास का जो भी खेती वगैरह जो है जो एरिया है वो हमेशा मतलब पानी से भरा हुआ हो जो मतलब पानी की वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो ये हमने मतलब सीखने की हमने यहाँ पे आके ट्राई किया यहाँ पे और कुछ फॉरेनर स्टूडेंट्स भी जो अलग यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो जो सोलर पैनल जो सोलर कुक स्टोव से अभी यहाँ पे कुकिंग जो हो रहा है वो IIT बॉम्बे का ही प्रोजेक्ट था वो हम लोग ने कुछ इंस्टॉल किया था। साधारण सा दिखने वाला बैतूल का बाचा गांव दुनिया के नक्शे पर अब चमक रहा है। आधुनिक गांवों की कतार में सबसे आगे खड़े इस गांव में चूल्हा तो जलता है लेकिन धुआं नहीं उठता। यहाँ के लोगों को न घरेलू गैस की जरूरत पड़ती है
और ना ही जंगल से लकड़ी काटने की, क्योंकि यहाँ हर घर में सोलर चूल्हा जलता है। महिलाएं भी खुश है कि अब न तो लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना पड़ता है और न ही गैस या केरोसिन खत्म होने की चिंता सताती है। जब से सोलर चूल्हा लगा है तब से तो हम इसी पे खाना बना रहे हैं। जैसे इसमें लकड़ी की बचत हो रही है एक तो, और गैस टंकी नहीं भरवाना पड़ता है और समय भी कम लगता है। कितनी टंकी लगती है आपको? जैसे एक टंकी हमको 6 लोगों का खाना बनाते हैं तो 3 से 4 महीने चल जाती है। तो अब 8 महीने हम सोलर चूल्हे पे खाना बनाते हैं और बारिश के जो 4 महीने रहते हैं उसमें टंकी में बनाते हैं। जल संरक्षण के लिए हम लोगों ने सभी युवा लोग मिल के और 74 मकानों में 100 फीट गड्ढा ऐसे श्रमदान के माध्यम से सभी के घरों में खोद दिया है, और उस जिससे हमारे गांव का जल लेवल अच्छा बना रहे इसके लिए, और सभी हैंडपम्प और कोशिश इतना किया कि हम लोगों ने अधिक से अधिक वर्षा का जल संग्रहित कर सके ताकि हमको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आ पाए, इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया। ग्रामीणों ने अपने गांव को खुद साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह कूड़ेदान भी लगाए हैं। वहीं आसपास बहने वाले नदी नालों पर बोरी बंधान कर गांव का पानी गांव में ही रोकने का बेहतर नमूना भी पेश किया है। भारत भारती शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर मोहन नागर इस गांव के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उन्हीं की पहल के बाद IIT मुंबई ने इस गांव को धुआं रहित बनाने सोलर पैनल चूल्हों का सिस्टम तैयार करवाया था। नागर ने अब आसपास के ग्रामों में जल संरक्षण के लिए छोटी छोटी जल संरचनाएं तैयार करने का बीड़ा उठाया है। ये जल संरक्षण को लेकर के और वहाँ अनेक प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। बरसात के पहले ग्राम बाचा में और हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लोगों ने अपने घर के पीछे गड्ढा खोद करके बनाया था, जो अपने आप में एक मिसाल है। और बरसात के बाद में जो गांव की नदी है उस नदी का पूरा पानी रोक करके और ग्रामवासी अपने गांव की 100-125 एकड़ की जितनी सिंचित ज़मीन है उसको सिंचित करते हैं। उसी दृष्टि से आज वहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन था। जल महोत्सव उस गांव में हर वर्ष एक उत्सव के जैसा मनाया जाता है, त्यौहार जैसा मनाया जाता है। गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गांव में रंगोली बनाते हैं, फिर ढोल ढमाके के साथ नदी के पूजन करते हैं और उसके बाद फिर नदी पर बोरी बंधान बनाते हैं। तो आज वह आयोजन वहाँ पर था और संयोग से आज विदेशी शोधार्थी छात्र जो 6-7 देशों से आए हैं IIT मुंबई के नेतृत्व में, उन्होंने भी और उस काम को देखा है। वो वहाँ जो सोलर पैनल लगे हैं उसका अध्ययन करने के लिए आए थे और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बैतूल ज़िले के ये जल संरक्षण और संवर्धन ग्रामवासी कैसे करते हैं इसका भी वो उनको अध्ययन करना था। तो उन लोगों ने भी उस काम को देखा और सराहना की उस काम की कि एक छोटे से गांव में भारत के और इस प्रकार का जल संरक्षण का काम लोग गांववासी बिना सरकारी सहायता के स्वयं प्रेरणा से करते हैं। तो इस तरह से आज का पूरा ये आयोजन था जिसमें IIT मुंबई की पूरी टीम साथ थी, साथ ही मलेशिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, जापान और आदि बाहर के 6 देशों के और शोध विद्यार्थी और उस अध्ययन दल में वहाँ पर आए थे। उन्होंने इस काम को देखा और सराहा है। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।